फ्रेंड, गुड इवनिंग, आप सब कैसे हैं फ्रेंड। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज तो फ्रेंड आज का जो टॉपिक है वो है कि एनएसएच कंपनी में क्या काम होता है, मतलब एनएसएच कंपनी क्या काम कराती है, ठीक है, और एनएसएच कंपनी में क्या काम होता है और क्या क्या चीज़ का, मैंने कौन कौन सा ट्रेड का रिक्वायरमेंट जाता है एनएसएच कंपनी के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड जो भी भाई लोग नए हैं चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं हूं बेक्टल कंपनी में, ठीक है, और अभी नहा धोकर खाना वाना खा के रेडी हो गया। ये हम लोग का कैंप है, देखिए कुछ भाई लोग वाईफाई चला रहे हैं, इधर भी कुछ लोग हैं, ठीक है, और देखिए टोटल वाईफाई फ्री है समझ लीजिए, ठीक है ना। और नीचे हम लोग का जो हमारा रूम है वो थर्ड फ्लोर पे है, अभी मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूं, ठीक है ना, टोटल वाईफाई फ्री है समझ लीजिए पूरा बिल्डिंग, ठीक है। तो फ्रेंड मैं आपसे बता दूं कि एनएसएच कंपनी क्या काम कराती है समझ लेते हैं। एनएसएच कंपनी में आप लोगों को मालूम होगा गैस तेल, ठीक है, मतलब तेल और गैस जो आप गैस पे खाना बनता है, ठीक है ना, जो तेल पेट्रोल भरा जाता है वो तेल कहाँ से आता है आप लोगों को मालूम है, ठीक है। देखिए भाई लोग दोनों बेटल के हैं, ठीक है, बेटल कंपनी है, ठीक है। तो मैं बता दूँ, देखिए बोल रहे हैं कि आपका चैनल देखते हैं, हमारा चैनल मतलब वीडियो देखते हैं, ठीक है ना, और हम लोग के बिल्डिंग में ही रहते हैं, लेकिन इतना लोग हैं ना समझ लीजिए कि अब किसी से कितना अपना कांटेक्ट नहीं हो पाता है। देखिए जबकि हमारे फ्लोर पे ही रहते हैं, थर्ड फ्लोर पे रहते हैं ना, थर्ड फ्लोर पे नहीं है, सेकंड फ्लोर, अच्छा सेकंड फ्लोर, लेकिन वो भाई तो थर्ड फ्लोर पे रहते हैं, थर्ड फ्लोर पे ही रहते हैं, लेकिन हमको खुद उतना वो नहीं है समझ, इसलिए इतना टाइम ही कहाँ मिल पाता है ना, आना खाना अपना पीना अपना 6 बजे आना ही, तो ये चीज़ टाइम का। देखिए अभी आ गया बाहर, तो फ्रेंड मैं बता रहा था कि एनएसएच कंपनी में क्या काम होता है, ठीक है ना। तो आपसे बता दूं कि जो डीजल और पेट्रोल समझ लीजिए जो भरा जाता है तो वो निकलता कहाँ है आप लोगों को मालूम है, वही काम होता है समझ लीजिए, उसी को हम लोग बोलते हैं आयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट, ठीक है ना, जो कि तेल और गैस निकलता है समझ लीजिए, वो प्लांट तैयार होता है समझ लीजिए। यहाँ पर सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन सबसे ज़्यादा लोग क्यों आते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा तेल का भंडार यहीं पे है समझ लीजिए गल्फ में, ठीक है ना। देखिए हम लोग का कैंप है और अभी मतलब समझ लीजिए कि 8 बज रहा है और सभी लोग, कुछ लोग खाना खा कर आ रहे हैं, कुछ लोग खाना खाने जा रहे हैं समझ लीजिए, और कुछ लोग हैं कि टहल रहे हैं समझ लीजिए, देखिए इधर वापस आ रहे हैं कुछ लोग, और देखिए कुछ लोग का लग रहा है कि फ्लाइट है या नए आए हैं, देखिए यहाँ पर लगेज वगेज भी लिए हैं, ठीक है ना। हाँ तो वही मतलब गैस और तेल जो निकलता है समझ लीजिए वो ज़मीन के अंदर से निकलता है, ठीक है ना, ज़मीन के अंदर से तेल और गैस निकलता है, वही प्रोजेक्ट बनता है यानी प्लांट बनता है वहाँ पे, उसी का काम होता है समझ लीजिए, जो ज़मीन से निकलता है डील करके समझ लीजिए तेल और गैस, जहाँ पे मालूम चलता है कि हाँ यहाँ पे तेल है यहाँ पे गैस है तो वहीं पे प्लांट तैयार होता है, ठीक है ना, उसी का प्रोजेक्ट तैयार होता है, प्लांट तैयार होता है, तो वही काम कराती है एनएसएच कंपनी, ठीक है ना, एनएसएच में वही काम होता है समझ लीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पे जो अभी हम लोग बैक्स में है समझ लीजिए, ये हम लोग का मेट्रो प्रोजेक्ट है यानी कि एमईपी प्रोजेक्ट, देखिए कितना नए लोग आए हैं, इधर पूरा नए लोग आए हैं, अभी कुछ लोग नए आए हैं, और इधर देखिए हम लोग का कैंप है और फुटबॉल हो रहा है, देखिए वहाँ पर फुटबॉल ग्राउंड है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, क्रिकेट है समझ लीजिए, यहाँ पे सब ग्राउंड है समझ लीजिए, पूरा खेल होता है, ठीक है। तो मैं आपसे बता रहा था कि एनएसएच में वही काम होता है समझ लीजिए, गैस और तेल, अभी हम लोग जो बेक्टल कंपनी में है बैक्स में, ये यहाँ पे वो प्रोजेक्ट नहीं है, ये एमईपी प्रोजेक्ट है यानी कि ज़मीन के अंदर समझिए टनल के अंदर स्टेशन बनता है, ठीक है ना, ज़मीन के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे दूसरा काम है समझ लीजिए, और एनएसएच कंपनी प्लांट का काम कराती है समझ, उसमें प्लांट का काम होता है, ठीक है ना, वहाँ पे प्लांट में काम होता है, ठीक है ना, जो आयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट है, गैस निकलता है, आपको मालूम होगा डेंजर गैस है, जैसे एलपीजी है समझ लीजिए, ठीक है ना, एलपीजी है, फिर से बहुत से गैस है, ठीक है ना, वैसे ही केरोसिन है, डीजल है, ठीक है ना, पेट्रोल है, ये सब ज़मीन के अंदर से ही निकलता है, और उसी का प्रोजेक्ट मतलब उसी का जो प्लांट है, प्लांट तैयार होता है प्रोजेक्ट का, वही काम होता है। तो बहुत से भाई लोग हमारा वीडियो देखते हैं जो नए हैं, जिनको जानकारी नहीं है कि भाई सऊदी में, दुबई में, कतर में लोग एनएसएच में जाकर क्या काम करते हैं, ठीक है, तो आपसे मैं बता दूं कि वही काम होता है एनएसएच का, काम वही होता है, वही प्रोजेक्ट का लेती है और उसी का काम कराती है, ठीक है ना। मैं भी ऑलरेडी उसमें था, काम करता, देखिए ये हम लोग का ग्राउंड है, देखिए यहाँ पे इधर फिलिपिनी भाई लोग का ग्राउंड है, यहाँ पे फुटबॉल खेलते हैं, उधर देखिए पाकिस्तानी भाई लोग मैच खेल रहे हैं, इंडिया पाकिस्तानी, और इधर नेपाली और पाकिस्तानी भाई लोग इधर भी फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है ना, इसमें कोई वो नहीं है, कोई किसी में भी खेल सकता है, ठीक है ना, बहुत बड़ा ग्राउंड है, ठीक है ना,
लिया हम लोग का पूरा कैंप देखिए, इधर खजूर का पेड़ है, इधर खजूर का पेड़ उधर भी, उस साइड में भी है, उधर आगे में भी है, समझ लीजिए। और शाम का 8 बज रहा है और देखिए इधर पीछे बकाला भी है, आपसे बता दें इधर बाल हेयर कटिंग सैलून भी है। और जो बकाला यानी कि जिसको हम लोग किराना बोलते हैं अपने यहाँ, इधर किराना का दुकान है और उसके बगल में कपड़ा उपड़ा का भी थोड़ा दुकान है, और उसके बगल उधर में लाउंड्री है यानी कि कपड़ा धुलाई करने वाला लाउंड्री, समझ लीजिए ठीक है ना। और एक चीज़ मैं बता दूं कि हम लोग का कंपनी का लाउंड्री फ्री है ठीक है ना, और जिसको कपड़ा धुलाने का रहता है अपना झोले में पैक करके अपना कपड़ा दे देता है ठीक है। तो आपसे मैं बता दूं कि जो भी हमारे नए भाई लोग हैं, नए सब्सक्राइबर लोग हैं ठीक है ना, वो लोग को जानकारी नहीं है कि NSH में क्या काम होता है, यही काम होता है ठीक है ना। अगर वो लोग NSH में जाना चाहते हैं ठीक है ना, कोई भी प्लांट में जिन आयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट में ठीक है ना, तो वो लोग जो लोग डिप्लोमा किए हैं जैसे कि ITI किए हैं मैकेनिकल लाइन से, वो लोग बिंदास जा सकते हैं ठीक है ना टेक्नीशियन से। अगर जो लोग डिप्लोमा नहीं किए हैं ठीक है ना, केवल आप अपना मैट्रिक पढ़े हैं या प्लस टू है या BA है BTEC है, तो वो लोग को मैं बता दूँ कि कहीं से भी जो ट्रेनिंग संस्थान है इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जाकर 10,000-5,000 रुपया लगता है ट्रेनिंग करने के लिए ठीक है ना। जैसे पाइप फिटर का ट्रेनिंग कराया जाता है, पाइप फिटर है, फैब्रिकेटर है ठीक है ना, प्लम्बर है बिल्डर का आर्गन मिग ये सब का मतलब ट्रेनिंग होता है ठीक है ना, मतलब सिखाया जाता है। ट्रेनिंग सेंटर का मतलब क्या होता है, सिखाया जाता है, देखिए होता है इधर, यहाँ पे एक होटल भी है नॉर्मल में कैंप के अंदर ही, क्योंकि यहाँ पे पराठा चाय जो भी है अपना मिलता है। और इधर बकाला है, और बकाला को हम लोग इंडिया में मतलब जैसे कि दुकान बोला जाता है ठीक है ना, ये अरबिक शब्द है, बकाला अरबिक शब्द है ठीक है ना। तो अपना ट्रेनिंग करके ठीक है ना, मिग का आर्क का आर्गन का ट्रेनिंग करके बिंदास आ सकते हैं ठीक है ना, कहीं पे भी समझ लीजिए, सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, सर्बिया, पोलैंड, कहीं पे भी ज़्यादा लोग यही करते हैं। यहाँ तक कि मैं भी हूँ, पढ़ के ही आया हूँ ठीक है ना, हम लोग भी ट्रेनिंग किए थे, मैं इंडिया में कहीं काम नहीं किया था। आप लोग से मैं रियल बता रहा हूँ कि मतलब फर्स्ट टाइम में हम लोग का इंस्टीट्यूट में गए थे और वहाँ से ट्रेनिंग करके उसके बाद से ही हम लोग आए थे ठीक है ना। और देखिए अभी इतना दिन हो भी गया, 10-8 साल हो गया गल्फ में रहते हुए काम करते हुए। देखिए क्रिकेट ग्राउंड है पीछे, शाम के टाइम में लोग 9-10 बजे तक खेलते हैं, अब देखिए 8 बज रहा है तो सभी लोग खेल ही रहे हैं, समझ गए, बहुत मज़ा आता है, देखिए दिन जैसा लग रहा है एकदम। इसलिए हम लोग का नाइट ही दिन है, इसलिए दिन में तो हम लोग साइड पर रहते हैं, केवल फ्राइडे है हम लोग का छुट्टी रहता है तो हम लोग कैंप में रहते हैं। और बहुत बड़ा कैंप है आप लोग से बता दें, देखिए पूरा ग्राउंड है यहाँ से लेकर पूरा ग्राउंड है, समझ लीजिए देख रहे हैं कितना, इधर भी देख रहे हैं साइड से पूरा कैंप है, देख रहे हैं पूरा थर्ड फ्लोर, वन टू थ्री फोर, ये फोर्थ फ्लोर है, ये फोर्थ फ्लोर का बिल्डिंग है और उधर हम लोग का थर्ड फ्लोर का बिल्डिंग है, नहीं ये भी थर्ड फ्लोर का है, ये ग्राउंड से स्टार्ट है, समझ लीजिए। आप कहीं से भी अपना ट्रेनिंग कर लेंगे समझ लीजिए ठीक है ना, ट्रेनिंग करके आप बिंदास कोई भी एक ट्रेड पकड़ लीजिए जिसमें आपका रुचि है ठीक है ना, जैसे कि पाइप फिटर है, डक्ट फिटर है, प्लम्बर है ठीक है ना, इसका रिक्वायरमेंट बराबर जाता है NSH कंपनी में ठीक है ना, बिल्डर है, आर्क आर्गन ठीक है ना, टी इसका कहीं से भी ट्रेनिंग ले लीजिए, 50,000-40,000 रुपया लगेगा बिल्डर का, और बिल्डर में आराम से NSH में जाएंगे तो 2,000 रुपया सैलरी आपका फिक्स है समझ लीजिए 8 घंटे का, यानी कि इंडिया का 50,000 रुपया 8 घंटे का, ओवर टाइम करेगा तो 70-80,000 रुपया भी आप आराम से कमा सकते हैं। यही ट्रेड नहीं, ये तो टेक्नीशियन का मैं बता रहा हूँ, अगर चाहेंगे तो स्टाफ में भी जा सकते हैं, जैसे कि फोरमैन है, सुपरवाइज़र है, थोड़ा आपका एज है तो आराम से स्टाफ में जा सकते हैं, स्टाफ का फैसिलिटी ज़बरदस्त रहता है NSH में समझ लीजिए, एकदम सिंगल रूम देती है, एक या दो आदमी ज़्यादा से ज़्यादा रहता है, इसमें अटैच बाथरूम, लेटरिन, खाने का भी व्यवस्था अलग रहता है, ज़बरदस्त रहता है ठीक है ना। तो फ्रेंड आई होप कि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके आज के लिए गुड बाय।